ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते श्री रामचरित मानस किष्किंधाकांड चतुर्थ सोपान दोहा नंबर 5 से लेकर 7 तक हिंदी अर्थ से जय श्री राम। सखा वचन सुनी हर से कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहु मन मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम मन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, सुग्रीव ने कहा, हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं, प्रीत रही कछु बरन न जाई। हम दोनों भाइयों में ऐसी प्रीति की वर्णन नहीं की जा सकती है। हे प्रभो एक समय मैं सुत माया बीते ही नाऊ। हे प्रभो एक समय मैं दानव का एक पुत्र था, वह जो है आधी रात में आकर के बाली को ललकारने लगा, आवाशो प्रभु हमरे गाऊं। हे प्रभो मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम माया भी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहयन पारा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा ललकारा, और बाली जो है शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयूं बंधु संग लागा। वह दौड़ा उसे देखकर माया भी भागा, मैं भी भाई के संग लगा और चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। वह माया भी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा, तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बात देखना। जय श्री राम। परिखे सुमो ही एक पखवारा, और नहीं आओ तब जाने सुमारा। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहो खरारी, अनि शरीर रुधिर धार तह भारी। हे खरारी मैं वहां महीने भर तक रहा, वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है। बाली हतेशी मोही मार ही आई, अशिला दे तह चले ऊपर आई। उसने बाल को मार डाला है, अब आकर मुझे भी मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर दरवाजे पर एक शिला बड़ा सा पहाड़ रख करके चला आया भागाया। तो मंत्रणपुर देखा बिनुशाई, मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा। तो दीन हो मोही राज बरियाई, तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली तहा, बाली जो है क्या किया कि बालिता ही मारी गृह आवा, और देखी मोही जी भेद बढ़ावा। बाली उसे मार करके घर आया, तो मुझे देखा राज सिंहासन पर, देखकर उसने जी में भेद बढ़ा लिया, अर्थात उसके मन में विभेद हो गया, शंका हो गई कि मेरा भाई विश्वासघाती है, मेरे साथ विश्वासघात किया। बहुत ही विरोध माना उसने, उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और यहाँ आकर के राजा बन बैठा। अरे रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, उसने मुझे शत्रु के समान अधिक बहुत अधिक मारा, और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हरि लीन सी सर्वस अरुनारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, और सकल भुवन में फिर बिहाला। हे कृपाल रघुबीर मैं उसके भय से डर के मारे समस्त लोकों में बेहाल होकर के फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, वह साप के कारण अर्थात श्राप के कारण यहाँ नहीं आता है। लेकिन आगे क्या है
कि तदपि सभीत रहो मन माही, तदपि सभीत रहो मन माही, फिर भी मन में मैं भयभीत ही रहता हूँ। सेवक का दुख सुन करके दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र श्री रघुनाथ जी ने क्या किया आगे कि सुन सेवक दुख दीन दयाला और फरक उठी द्वय भुजा विशाला। श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फरक उठी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही मान। उन्होंने कहा हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्म रौद्र शरणागत गयन उबरी प्राण। ब्रह्मा रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी और तिन्ह बिलोकत पातक भारी। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। कि जैन मित्र दुख हो ही दुखारी। भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं सुग्रीव सुनो कि जैन मित्र दुख हो ही दुखारी और तिन्ह बिलोकत पातक भारी। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। आपने पर्वत के समान दुख को जो है धूल के समान, मिट्टी के समान, कण के समान और मित्र के धूल के समान दुख को जो है सुमेर बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। जिन्हें के ऐसी मति सहज न आई ते सठ कत हठि करत मिताई। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वह मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। कुपथ निमारी सुपंथ चलावा गुण प्रगटे अवगुण निदुरावा। तो मित्र का धर्म है कि वह मित्र को जो है बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर अर्थात अच्छे रास्ते पर चलावे, उसके गुण प्रकट करके और अवगुणों को छिपावे। अर्थात जो उसके अंदर जो है आंतरिक भावनाओं में उसके गुण छिपे हुए हैं उसको बाहर निकाल कर अर्थात प्रकट कर दे और जो अवगुण हैं कोई कमियां हैं उस कमी को छिपावे। तो देत लेत मन शंक न धरई अबल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर शत गुण नेहा अश्रुति कह संत मित्र गुण या। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है दीनों पर दुर्बलों पर कृपा करने वाले हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है भगवान उसको अपना शरणागत मान करके अपनी सारी ताकत सारे आशीर्वाद जो है अपने सारे बल के साथ जो है उसको देते हुए प्रदान करते हुए जो है मन में कोई शंका न रखते हुए उसकी मदद करते हैं। अर्थात देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहें और विपत्ति के समय में तो सदा सौ गुना स्नेह करें। कि वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के लिए गुण ये सभी लक्षण हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई। जो सामने तो बना करके कोमल वचन कहता है लेकिन क्या करता है कि पाछे अनहित मन कुटिलाई और पीठ पीछे जो है बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। तो जाकर जित अहिगति समभाई असकुमित्र परिहर ही भलाई। तो हे भाई सुनिए, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। तो सेवक सठ नृप कृपन कुनारी और कपटी मित्र सूल समचारी। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। मूर्ख सेवक और कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों जो है शूल के समान अर्थात पीड़ा देने वाले
महात्रिशूलदायक कष्टकारक होते हैं। हे सखा, आप मेरे बल पर विश्वास रखिए। भगवान ने कहा कि सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। हे सखा सुग्रीव, मेरे बल पर अब तुम चिंता ना छोड़ो, चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कि कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, अबाली महाबल अति रण धीरा। सुग्रीव ने कहा हे प्रभु, हे रघुकुल शिरोमण, रघुकुल के वीर, हे रघुवीर सुनिए, बाली जो है महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुन्दुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। दुन्दुभि अस्थिताल दिखराए, अभिन प्रयास रघुनाथ ढाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के ही ताल अर्थात ताड़ के वृक्ष को एक ही बाण में भेद दिया और जो दुन्दुभि की अस्थि की हड्डियां थी उसको भी बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। अर्थात हनुमान जी जो है सुग्रीव से मित्रता कराने में सफल हो गए। अब सुग्रीव बोले जय श्री राम। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय अलोला। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह जो है ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब जो है मन मेरा स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूँ शिव काई। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तो पद और राधक। मित्र शत्रु सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख अति द्वंद आदि द्वंद अति द्वंद हैं, सब के सब जो है माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जाशु प्रसादा, अमिल हूँ राम तुम शमन विषादा। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। सपने जेही सन होई लराई, और जागे समुझत मन सकुचाई। जिसके स्वप्न में जागने से कष्ट दूर हो जाते हैं।